सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं SBI का विड्रॉल फॉर्म को कैसे फिलअप करें। ठीक है, अगर आप भी पैसे निकलवाना चाहते हैं SBI बैंक से तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना होता है। ये कैसे फिलअप करना है ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो पर लगातार बना रहेगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो अगर आप इस फॉर्म को भरना सीख जाते हैं तो लगभग सभी बैंक के फॉर्म को आप आसानी से फिलअप कर सकते हो। ठीक है, सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो सबसे पहले यहाँ पे खाते धारक का नाम यानी कि नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। फिर उसके बाद आता है ब्रांच नेम, जो आपका ब्रांच नेम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आपका जो भी ब्रांच नेम है वो आपको लिख देना है। फिर ये लिखने के बाद यहाँ पे है डेट, जिस डेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो ठीक है वो डेट आपको यहाँ पे लिख देनी है। जैसे कि हम भी लिख देते हैं और यहाँ पे आपको लिखना है सन। ठीक है, ये आपको लिख देना है। फिर उसके बाद आता है अकाउंट नंबर, जो आपका अकाउंट नंबर है वो आपको इन कॉलम्स में लिख देना है। तो इन कॉलम्स में आपको अकाउंट नंबर लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है जितने रुपए आपको चाहिए। ठीक है, अंक में जैसे कि हम लिख देते हैं 10,000 रुपये। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। फिर उसके नीचे यहाँ पे ये मोबाइल नंबर, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है इन कॉलम्स में। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आपको इन कॉलम्स में लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे खाताधारक के हस्ताक्षर, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, तो यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर वो आपको यहाँ पे कर देना है। ठीक है, और ये करने के बाद फिर उसके नीचे लिख रहा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये आपको कुछ भी नहीं करना है इस टेबल में नीचे। उसके बाद आपको पीछे बैक में यहाँ पे आपको दो सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है, पीछे दो सिग्नेचर करने के बाद जो हमारा फॉर्म है ये कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल आप भी इसी तरह अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेगा, प्लस कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो। Thanks for watching video.